मान लीजिए 12 फीट गहरा आग बनाने में देखिए कितना अंदर था। ठीक, अरे बात मिनट भी नहीं लगता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारे अबुल खैर भाई और इनायत है। तो फिलहाल वो ईटा लेने के लिए आए हुए हैं, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि मिट्टी से ईटा कैसे बनता है। और ये चिमनी है, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि यहाँ पे ईंट किस तरीके से तैयार होता है। यहाँ पे घोड़े का इस्तेमाल होता है ये गाड़ी में, और इस पर जो है ना कच्चा ईंट लाया जाता है, और इसके बाद यहाँ पर ईंटे की सेटिंग हो रही है। ये देखिए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सर ये मिट्टी को क्या कर रहे हैं सर, बता सकते हैं कुछ आप? और इसको मिट्टी को लग रहा है कि अच्छी तरीके से तोड़ रहे हैं ना आप? तोड़ने के बाद क्या करेंगे सर इसको? फिर ईंट बनाएंगे? तो सर ये ईंट जो मतलब इतना मिट्टी को आप तोड़ रहे हैं, तो मिनिमम इसमें कितना ईंट निकल सकता है, बता सकते हैं सर कुछ? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग ये जो मिट्टी है, इतना मिट्टी को पूरी तरीके से इसको तोड़ा जा रहा है। तोड़ने के बाद फिर ईंट बनाएंगे, और बनाने के बाद मैं पूछा हूँ भाई से कि लगभग इतने मिट्टी में कितना ईंट तैयार हो सकता है। तो देखिए इसमें बोले हैं मिनिमम 1600-1700, यानी कि एक ट्रैक्टर बोला जाता है वो बन सकता है इसमें। तो देखिए कितनी मेहनत है, और इसमें जब पूरी तरीके से पहले मिट्टी को तोड़ा जाता है, फिर उसको अच्छे से रखा जाता है, रखने के बाद जो है ना फिर तैयार किया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, तो चलिए मैं ये सर से पूछता हूँ कि ये ईटा जो है किस तरीके से तैयार होता है, कुछ रीजन पूछता हूँ भाई जी। ओ सर, सर ये ईटा किस तरीके से तैयार होता है, बता सकते हैं? ये जो मतलब ये लगा रहे हैं, ये सेटिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं, क्यों लगा रहे हैं? इसी तरह से क्यों लगा रहे हैं जी? एक मिनट जी, बताइए सर। जी जी, इसका ये दोबारा हुआ। अच्छा, जैसे पानी जो है ना, पानी जो चलता है ना, वही हिसाब किताब है ये। नहीं ये बहुत अच्छा, ये मैं पूछना चाहता हूँ सर आपसे कि ये जो मतलब ईटा ये साइड में और बीच में, इसका कुछ अंतर है क्या? ईटा किस तरीके से कैसा निकलता है? जैसे है ना, ये ऊपर वाले है जो मीठा पाक निकलेगा, मीठा पाक निकलेगा, उसके बाद में जो एक नंबर निकलेगा। अच्छा, उसके बाद में जो गोरिया जो है ना, ये सबसे नीचे वाला निकलेगा, काला निकलेगा। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताया कि किस तरीके से ईटा बनता है, और यहाँ देखिए सब लोग जो है ना पूरी सेटिंग बना रही है, और ये देखिए घोड़े का भी इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप लोग को कैसा लग रहा है दोस्तों, वीडियो बताएंगे आप लोग। और यहाँ भी देखिए ये दोस्तों, मैं दिखाता हूँ कि जो ईंट पका रहे हैं सर, उससे मैं बात करता हूँ कि ये जो ये ईंट जो है कैसे पकाते हैं सर, ये ईंट कैसे पकाते हैं, बता सकते हैं? कोयला डालते हैं तो पकता है जी, कोयला डालते तो पकता है। तो ये जो मतलब छोटा छोटा ये दिख रहा है, इसमें क्या कोयला डाला जाता है? कोयला डाला जाता है, इसी होकर डाला जाता है ना जी, जी। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये क्या बोलते हैं, छाई बोला जाता है, ये भी कोयला बोला जाता है, कोयला बोला जाता है। और ये आप देख रहे होंगे, ये सब जो है इसी के ज़रिए जो इसमें कोयला डाला जाता है, और पूरी तरीके से वो जो है ना ताऊ इसमें आता है। तो ये जितना भी दिख रहा है आपको यहाँ से वहाँ तक, सब जो है ये पका हुआ ईटा है, पक रहा है, ठीक है, पक गया, यानी पक गया है, ये सर बता रहे हैं। तो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे ये वीडियो? और इसमें दिखा लो ना, देखिए कितना अंदर ताऊ है, ये देखिए अबुल खैर है, और यहाँ पे ईटा तैयार होता है, और ये अभी सीजन चल रहा है, मिनट भी नहीं लगता है। यहाँ पे पका हुआ ईट निकल रहा है, ये देखिए।